सब कुछ बाटे ठीक ठाक हो ना कवनो परेशानी। जोन्हरी कट गए धान पकल बा बरसल बा खूब पानी। ऊख के खेत में बड़का कक्का काकी करे छोलाई। आ छोटका बबुआ कोल्हू संगे करत हुए पिराई। ओ घर आज परदेसी खियाई तुहे तो गुड़ देसी। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा रब दी कसम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम। अरे झर बैला में करैला तोड़े ना जब सखी। झर बैला में करैला तोड़े ना जब सखी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों लगातार मैं जौनपुर की खबरें दिखाता रहता हूं। और आपको बता दें कि इस वक्त हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर मैं कलाकारों से मुलाकात कराने के लिए आया हूँ। आपको बता दें कि स्टूडियो है जौनपुर में जिसका नाम है राग लोक स्टूडियो म्यूजिक। तो आपको बता दें कि आज कला एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लोग अपने आप को किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है। एक सुर ऐसी चीज़ होती है कि जब छेड़ देता है कोई व्यक्ति तो सुनने वालों की लाइन लग जाती है। और यहाँ पर आज हम एक ऐसी कलाकारा अगर कहा जाए सिंगर हैं, एक बड़ी अच्छी सिंगर हैं जिनको कवर करने के लिए हम लोग आए हैं और उनसे मुलाकात कराएंगे। आप खुद आवाज़ सुनेंगे और बताइएगा कि क्या रिस्पांस है। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ अंदर। ये देखिए स्टूडियो है, अभी देखिए हम अंदर आ चुके हैं। पूरा स्टूडियो का लोकेशन आपको दिखा रहे हैं जिस स्टूडियो का नाम है राग लोक म्यूजिक। और यहाँ पर बड़ी अच्छी सिंगर अगर हम बात करें तो एक ऐसा समय था कि जौनपुर का नाम अगर कहा जाए तो कौन ये गाना नहीं सुना होगा कि खियाइब तो है गुड़ देसी। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि ये गाना कौन गाया था। नाम तो रहता है सिंगर का लेकिन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं अगर मार्केट में बैक टू बैक एल्बम ना आए तो। दोस्तों हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सविता मौर्या जी, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या वजह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से इस समय ये दूर हैं और इनके एल्बम वगैरह नहीं। सबसे पहले पीजी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम भी आपका राग लोक म्यूजिक में स्टूडियो में आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और पूछिए क्या पूछना है जी। तो मैम मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक ऐसा गाना आया मार्केट में जो कि पूरा धमाल मचा दिया। उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां नहीं बजा था। क्या वजह रही भोजपुरी अगर हम सिंगर की बात करें तो जैसे मार्केट में आते हैं और एक ही गाने से बहुत बड़ा नाम कमा लेते हैं और बैक टू बैक उनके बहुत सारे एल्बम आते हैं। आप इंडस्ट्री से दूर होने का वजह? नहीं, दूर होने का वजह यह है कि जब उस समय ये गाना घर आजा परदेसी खेत तो है गुड़देसी हिट हुआ था तो मेरी बच्ची उस समय छोटी थी, 1 महीने की लगभग थी। तो उस समय मैं ऑफ़र आया प्रोग्राम के लिए और सॉन्ग के लिए ऑफ़र आया लेकिन मैं उस समय कर नहीं पाई और 2-3 साल का गैप हो गया। लेकिन इस समय हो रहा है, एल्बम आ रहा है राग लोक म्यूज़िक से। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो सारा एल्बम जितना सारा गाना है सब अभी आ रहा है। हाल में कोई आपका गाना ऐसा हो जो कि एक अच्छे लेवल पे पॉपुलर हुआ? वही सब चल रहा है, जैसे गाने तो बहुत सारे हैं। एक गाने से हमारे दर्शकों का आप स्वागत करिए। जी जी, पहले तो वही गुड़देसी सुना दे कि और कोई सुना दीजिए, पहले वही गाना सुना दीजिए। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहे हैं कि गुड़देसी की यही सिंगर हैं सविता मौर्या जी और इनकी अंदाज में आप गाना सुनिए। आप यूट्यूब पे अगर नहीं देखे हैं तो फिर से जाइए गुड़देसी सर्च करके गाने सुनिए और लीजिए आप ओरिजिनल सुनिए जी। सब कुछ बाटे ठीक ठाक हो ना कवनो परेशानी। जोन्हरी कट गए धान पकल बा बरसल बा खूब पानी। ऊख के खेत में बड़का कक्का काकी करे छोलाई। आ छोटका बबुआ कोल्हू संगे
करत हौए पेराई ओ घर आजा परदेसी खियाई तोहे गुड़ देसी ओ घर आजा परदेसी खियाई तोहे गुड़ देसी। और अभी इस समय हमारे चैनल पे एक सॉन्ग है, एक सॉन्ग क्या बहुत सारे सॉन्ग हैं आप लोग के बीच में जो कि लिखे हैं, राइटर हैं मेरे हस्बैंड हैं जिग्नेश मौर्य भ्रमर जी, उनके लिखे हुए गीत हैं। जैसे ये सॉन्ग है, एक पत्नी अपने पति से बोलती है कि आप घर पे आ जाइए, और इस गाने में क्या है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलती है कि मतलब कि उसके बिताए हुए गांव में समय सब बोलती है कि आप आ जाइए, आप कहाँ पे हैं, वो लम्हा याद आ रहा है, तो वही लेके लिखे हैं तो आप लोग के बीच। जी 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 मैम सुनाइए जरा। घर का बनावल सिरका सतुआ खियाई ती, ओढ़नी से अपने हो बेनवा डोलई ती, महुआ के नीचे दुख सुख बतियाई ती, कभो भूले बिसरे हो मोरे गाँव आई ती, कभो भूले बिसरे हो मोरे गाँव आई ती। ऐसे बहुत सारे क्या है? बात है दोस्तों, अगर आवाज़ की बात करें तो आप आवाज़ देख रहे हैं कि आवाज़ में क्या जादू है, लेकिन आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना कंट्रोवर्सी चलता है कि अगर आज ये देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर गंदगी चल रही तो इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही है। आए दिन यहाँ पे तहलका होता रहता है, धमाल होता रहता है, तमाम प्रकार की कंट्रोवर्सी होती रहती है, लेकिन ऐसे सिंगर जो कि अपनी आवाज़ से भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर हम धरोहर की बात करें तो अगर इनको अगर मौका मिले तो हमेशा ये संयोजे रहेंगे, लेकिन आज मौका न मिलने की वजह से आज यहाँ पर हैं। लेकिन आप लोग इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दें और ताकि ये अपने बहुत सारे गाने मार्केट में लेके आए और गाने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बनाएं। और हम बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा अपना स्ट्रगल पीरियड बताएं, आप अपना क्वालिफिकेशन सबसे पहले बताएं, कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? हम म्यूजिक से एमयूज किए हैं खैरागढ़ से। क्या बात है, इधर देखिए शिक्षा की बात करें, बहुत सारे लोग तो ऐसे आते हैं, ये गाने गाते हैं और रातों रात जैसे चर्चा लाख व्यूज आता है ना तो या सबसे बड़े स्टार समझने लगते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ए म्यूज बी म्यूज जो कि बैचलर ऑफ म्यूजिक होता है ना, जी 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 जी, तो कोर्स भी की हैं और शायद इनको जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना अच्छा बहुत कम लोग जान पाएंगे और हम बातचीत करेंगे। तो फिर और आपका फिर ए म्यूज हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या, वही अभी आपके सामने जो बात हुआ कि गुरदेसी वही सॉन्ग हुआ, वो पॉपुलर हो गया, वो उसके बाद तो बच्ची हो गई, एक दो साल गैप हो गया, तीन साल सदियों दिया बहुत पहले हो गए रहल का। नहीं नहीं शादी बहुत पहले, वही एक दो साल पहले उसके हुआ था। अच्छा। और क्या है कि शादी विवाह होने से थोड़ा से लाइफ में बंधन आ जाता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, शादी सब लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद बंधन हो जाती है, लेकिन हमें लगता है कि आप फ्री होकर, मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, शादी होने के बाद मैं और फ्री हो गई, हालांकि मेरे घर पे भी मेरे मायके वाले भी मेरा बहुत सपोर्ट किए, लेकिन शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड जो कि एक अच्छे डायरेक्टर भी हैं, स्टूडियो जितना ये सब है वही सब संभालते हैं, मेरे लिए स्टूडियो यहाँ पर खोले हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं सहयोग किया, मेरे घर के मेरे सास ससुर सब लोग सपोर्ट किए। और उसके बाद आप अपने YouTube चैनल का जरा नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों। मेरे YouTube चैनल का नाम है रागलोक म्यूजिक, और अभी हाल ही में एक मेरा खुद का, मतलब वो भी मेरा ही चैनल है, और एक चैनल हुआ है, नाम सर्च करेंगे तो सविता गुंजन ऑफिशियल नाम से, उस पर सारे हिंदी सॉन्ग, अभी दो तीन सॉन्ग पड़ा। आप हिंदी भी गाते हैं? जरा एक गाना हिंदी सॉन्ग हो जाए तो दर्शकों के लिए। हिंदी सॉन्ग? अच्छा, कोई भी गाना। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, ऐसे सारे। क्या बात है, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं और आके करियर बनाना चाहती, बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आ पाती हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है, इस पे आप एक महिला होके क्या संदेश देना चाहती हैं?
यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर जो एक अच्छी गायिका है उसको लोग सपोर्ट करें, उसके लिए मतलब जितना हो सके सपोर्टिंग करें आगे बढ़ने के लिए। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं कि वो सोचती हैं कि मैं कुछ भी कर जाऊं लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो कुछ नहीं आगे पीछे सोचती, ऐसा ना करें। क्योंकि एक अपना समाज होता है, अपना परिवार होता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसी के साथ चलते देखते हुए आगे बढ़े तो अच्छी बात है। सविता जी से अगर हम एक सवाल और करें, भोजपुरी में अश्लीलता को लेके बहुत सारी चीज़ें हमेशा फैलती रहती हैं, तो आपका जो चैनल है जो उससे गाने आते हैं उसमें शब्दों का कितना ध्यान दिया जाता है या किस प्रकार के गाने आते हैं? देखिए, हमारे अगर राग लोग चैनल पे देखेंगे तो ऐसी कोई शब्द की वो तौहीन नहीं हुआ है कि इस ये गाना नहीं सुनने लायक है। हाँ, अभी आजकल चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन मेरे चैनल पे देखेंगे कि बहुत साफ़ सुथरे ढंग से जितने भी सारे गाने हैं साफ़ सुथरे ढंग से हैं, उसको सुनने लायक है। अगर हो सकता है कि अगर आप लोग अगर देखना चाहें या सुनना चाहें तो उसको सर्च करके एक बार ज़रूर देखिए कि हाँ, उस जितने सारे चैनल पे जितने गाने हैं मेरा सब कुछ साफ़ सुथरे हैं, अच्छे लेवल में हैं। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं, अगर एक नाम और हम चर्चा करें भोजपुरी इंडस्ट्री में, शिल्पी राज, जैसे उनके गाने लॉन्च होते हैं मार्केट में धमाल मचा देते हैं, कुछ इस प्रकार के आपके गाने हैं जो कि डीजे वगैरह पे बजे, शादी विवाह में लोग बजा के डांस करें, कुछ ऐसे गाने हैं आपके? बिल्कुल है, एक है मेरा सॉन्ग, उस गाना हो जाए जरा दो लाइन। अरे झर बैला में करैला तोड़े ना जब सखी, झर बैला में करैला तोड़े ना जब सखी, ना जब सखी रे ना जब सखी, ना जब सखी रे ना जब सखी, झर बैला में करैला तोड़े ना जब सखी, ऐसे इस टाइप की बात है। देखिए, आपको बता दें कि जो शब्दों को लोग भूले जा रहे हैं वो शब्द अपने गाने में यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। झरबैले में करैला तोड़े ना जावे सखी, औरतें गांव में होती है ना, सब औरतें गाती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस गाने को एक वेस्टर्न टाइप में इसको परोसा जाए, तो ये भी गाना उस चैनल पे है, तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लास्ट सवाल है, क्या कहना चाहेंगी पीजी न्यूज के दर्शकों के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे गाने सुने, साफ सुथरे सुने, अगर अच्छे सुनेंगे तो हम मेरा भी नंबर आएगा क्योंकि हम साफ सुथरे वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीजी न्यूज आपको, और यही कहते हैं कि आप लोग प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। तो आपको बता दें दोस्तों, आज हम थे बातचीत कर रहे थे सविता मौर्या से, और इनका जो म्यूजिक कंपनी का नाम है वो कर रहे हैं राग लोक म्यूजिक के। आप लोग यूट्यूब पे जाएं और राग लोक म्यूजिक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार आशीर्वाद दें और सविता मौर्या जी को सपोर्ट करें। शायद इन्हें सपोर्ट करेंगे तो भोजपुरी की जो धरोहर है वो बची रहेगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए और एक नई वीडियो में एक नए कलाकार से मुलाकात करने के लिए लगातार आप पीजी न्यूज़ से जुड़े रहें। मैं प्रवीण नाविक, कैमरा पर्सन सूरज के साथ, जय हिंद, जय भारत।